गुड मॉर्निंग फेयर बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टांडा। टुडे इन एट्थ लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑफ क्लास 12 वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें से हर बार नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, अब की बार भी आया होता है। तो प्लीज है बहुत ईजी, तो ध्यान से बस सुनते रहना और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर स्टार्ट हो गया। इस चैप्टर में 3 पोर्शन है। फर्स्ट हाफ डिजीज जो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड है इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम। एक्चुअली जब अब हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अवर इम्यून सिस्टम। इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो आज हम ना इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन है, एवरी डे हर रोज बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट, एवरी डे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स, माइकोप्लाज्म्स, एवरी डे दे आवर बॉडी एक्सपोज टू देम। मतलब हर रोज हमारी बॉडी का उनसे एनकाउंटर होता है। हर रोज हमारी बॉडी बहुत सारे पैथोजन से मिलती है, बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हमारी बॉडी में घुस रहे हैं, वो सभी हमारी बॉडी में डिजीज नहीं कर पाते। क्वेश्चन है क्यों, यही हमें पढ़ना है। लाइंस स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी, एवरी डे We expose to large number of infectious agent, ये pathogen। हमारी body हर रोज बहुत सारे pathogen के contact में आती है। Pathogen बोल दो या infectious agent, disease causing agent के contact में आती है। Microbes which can cause disease are called pathogen। लेकिन बहुत कम बार, only a few, बहुत कम बार chance है कि हमें क्या हो, disease हो। Question है क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसमें ना दो फैक्टर है, तो हमारी बॉडी का फैक्टर है पैथोजन। कई बार जो डिजीज होगी या नहीं होगी, डिजीज होगी या नहीं होगी, इट आल्सो डिपेंड ऑन द पैथोजन आल्सो। ये पैथोजन पे भी डिपेंड करता है। पैथोजन वायरुलेंट है कि नहीं, इट डिपेंड ऑन द वायरुलेंसी ऑफ पैथोजन। वायरुलेंसी होती है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, लिख लेना आप अपनी एनसीईआरटी पे ये वायरुलेंट। अब कब मान लो, हो सकता है कि एक पैथोजन जो मेरी बॉडी में घुसा वो वायरुलेंट ना हो, जो आपकी बॉडी में घुसा वो वायरुलेंट हो। वायरुलेंट मींस डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ द पैथोजन। अब बहुत सारे पैथोजन के पास वायरुलेंसी नहीं है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये डिपेंड करता है पैथोजन की वायरुलेंसी पे भी, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैथोजन के ऊपर भी। हमारी बॉडी में पैथोजन कितने घुसे हैं, और ये डिपेंड करता है अवर बॉडी, हमारी बॉडी पे भी, हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस पे, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम पे। सीधी सी बात है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो पैथोजन डिजीज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में रखा है, व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि कई बार तो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं होती और कभी कभार हमारी बॉडी में डिजीज हो भी सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन बना के छोड़ दिया। एनसीईआरटी में क्या लिख दिया आपके एनसीईआरटी में, कि आपकी बॉडी हर रोज बहुत सारे पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आती है, लेकिन बहुत कम ही बार आपको डिजीज होती है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है कि कई बार तो पैथोजन वायरुलेंट नहीं होता, या कई बार जो हमारी बॉडी में पैथोजन का जो एंट्री है, एक्चुअली एक लिथल डोज होती है कि एटलीस्ट इतने पैथोजन तो हमारी बॉडी में होने चाहिए तभी हमें डिजीज होगी। तो कई बार वो जो लिथल डोज नहीं होती, मान लो एटलीस्ट मेरी बॉडी में डिजीज करने के लिए 100 बैक्टीरिया की जरूरत है, और मेरी बॉडी में घुसे 50 बैक्टीरिया, तो उस केस में मेरी बॉडी के अंदर डिजीज नहीं होगी। और तीसरा डिपेंड करता है बॉडी रेजिस्टेंस, कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप है कि नहीं है। और एक फैक्टर और भी है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। हमारी बॉडी उस डिजीज से इम्यून है कि नहीं, हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो दीज आर वेरियस फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि पैथोजन डिजीज करेगा कि
नहीं करेगा, या आप अपने एनसीईआरटी में साइड में मेंशन कर लेना, नो नीड टू राइट ऑन द नोटबुक्स, जस्ट एनसीईआरटी में मेंशन कर देना कि इस वाई का आंसर क्या है, कि कई बार ये डिजीज कर देते हैं, बहुत कम चांस है कि डिजीज होगी, राइट, क्यों वाई। तो इसमें अपना जो आपके एनसीईआरटी में ओनली वन फैक्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, कौन सा, बॉडी रेजिस्टेंस, या डिपेंड करता है किस पे, बॉडी रेजिस्टेंस बोल दो या इम्यून सिस्टम बोल दो। अगर आपका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डिजीज नहीं होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आपको डिजीज हो जाएगी। वैसे इसके अदर देन दिस फैक्टर आपको मैंने तीन फैक्टर और बता दिए, ये आप अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना। अब अगला पॉइंट है जो हमारी बॉडी है, और बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, हमारी बॉडी अपने आप को बचा सकती है, किससे, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स, जो फॉरेन एजेंट या जो बहुत सारे इंफेक्टियस एजेंट, जो बहुत सारे पैथोजन आपकी बॉडी में घुस रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड कर सकती है। फॉरेन एजेंट बोल दो, इंफेक्टियस एजेंट बोल दो, या पैथोजन बोल दो, उनसे हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड कर सकती है। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक ओवरऑल एबिलिटी है, हमारी बॉडी में क्या है कि ओवरऑल एबिलिटी, होस्ट कौन है, हम हैं, होस्ट कौन है, हम, हमारी बॉडी एक प्रकार से क्या है, होस्ट है, किसके लिए, इन्फेक्टियस एजेंट के लिए। तो हमारी बॉडी में, होस्ट में, पैथोजन से फाइट करने के लिए क्या है, सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, वेरी इजी डेफिनेशन बन जाएगी। तो इम्यून सिस्टम क्या है, पैथोजन से फाइट करने के लिए, इन्फेक्टियस एजेंट या फॉरेन सब्सटेंस जो भी हमारी बॉडी में घुस रहा है, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और दिस एबिलिटी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये हर किसी होस्ट के अंदर होता है, किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है। अगर इम्यून सिस्टम, प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग है तो डिजीज होने के चांस कम हो जाएंगे, और अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो डिजीज होने के चांस ज्यादा होंगे। ओके, तो अब इम्यूनिटी क्या है, इट्स द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, इट्स द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय आवर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के द्वारा जो डिजीज से हम फाइट करते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी, वेरी सिंपल डेफिनेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। अब जो इम्यूनिटी है, जो एबिलिटी हमारी बॉडी में है, ओवरऑल एबिलिटी जो भी है, ये टू टाइप की होती है। कितने टाइप की है, इट्स ऑफ टू टाइप, ऑन द बेसिस की बाई बर्थ है कि नहीं है। अब कुछ सिस्टम हमारी बॉडी में, कुछ सिस्टम तो बाई बर्थ होता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, और कुछ हमारी बॉडी में सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिजीज डेवलप आफ्टर बर्थ होता है। तो यानी कि जो इम्यूनिटी है, एबिलिटी जो है, वो कुछ तो हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती है, और कुछ एबिलिटी या इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ आती है। तो इसको हमने इम्यूनिटी को टू में क्लासिफाई कर दिया, एक तो इननेट इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी पहले बच्चों, इननेट इम्यूनिटी, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट, बहुत बार बोलते हैं इनेट टर्म, इनेट होती है प्रेजेंट बाय बर्थ, इनेट क्या होती है, प्रेजेंट बाय बर्थ। तो इट्स द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज व्हिच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जो प्रेजेंट बाय बर्थ है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वर्क अगेंस्ट All pathogen, all disease causing organism, कोई भी organism हो, all pathogens के लिए काम करती है। ये नहीं है कि भाई किसी specific disease को रोकेगा, आगे ये point और clear हो जाएगा, आगे ये और clear हो जाएगा। मान लो मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका, ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये सभी के अगेंस्ट काम करती है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई, कुछ भी घुसे, सभी के अगेंस्ट काम करेगा, राइट। जबकि हम आगे बढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये स्पेसिफिक होती है, ये आगे बेटा मैं इस टॉपिक को ना, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, वहीं क्लियर करेंगे, अभी रहने दो इसको।
तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब है बहुत अगेंस्ट ओल्ड पैथोजन, ओल्ड डिजीज, इतना याद रखना अभी, या आपको बहुत मैकेनिज्म है कैसे होता है, जाके क्लियर हो जाएगा। तो जो इनेट इम्यूनिटी है प्रेजेंट बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक मींस वर्क अगेंस्ट अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस, वर्क अगेंस्ट ऑल द फॉरेन मैटर जो हमारी बॉडी में घुस रहा है, ऑल द इंफेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट काम करता है। और ये प्रोवाइडेड बाय बैरियर्स, इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ बैरियर है, आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप के बैरियर मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 जो इनेट है, जो बाय बर्थ है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, पैथोजन से हमारी बॉडी को बचाता है, और ये सभी पैथोजन से बचाता है। ये नहीं है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉन स्पेसिफिक कब हूँ, जब मैं 6th क्लास के बच्चों को ही पढ़ाऊँ, 7th को, 8th को, 9th, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मैं कोई आ जाए उसी को पढ़ा देता हूँ, ये तो क्या है, नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक मतलब मैं सिर्फ 11th, 12th को पढ़ाऊँ तो मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा, राइट। जैसे ये सिस्टम है ना, ये स्पेसिफिक होता है, ये कैसे होता है, स्पेसिफिक क्यों होता है, ये हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन ये सभी के लिए काम करता है, राइट। ओके, तो इसमें इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 बैरियर, क्या है बैरियर। तो नंबर 1 है फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेटा, चलो टॉपिक से हटके बात करते हैं थोड़ा सा। मान लो टेररिस्ट वो है पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मान लो कि टेररिस्ट जो आतंकवादी जो है पैथोजन है। अब जब आतंकवादी घुसेगा तो सबसे पहले उस आतंकवादी का मुकाबला किससे होगा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो खड़ी है, सबसे पहले टेररिस्ट का जो मुकाबला होता है वो बीएसएफ से होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो उसके ऊपर खड़ी होती है। अब अगर वो बीएसएफ इस बॉर्डर को पार कर लेगा तो फिर उसका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से मुकाबला होगा, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है भाई, आर्मी है, सोल्जर्स हैं, आर्मी है, आर्मी वाले जो आर्मी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्या होती है, सेकंड लाइन, राइट। और अगर वो सेकंड लाइन को भी तोड़ के हमारे कंट्री में घुस जाओ है तो फिर उसके लिए हमारी बॉडी में इंटरनल डिफेंस सिस्टम होता है, क्या होता है, इंटरनल डिफेंस सिस्टम। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो सबसे पहले काम करता है, तो ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट। नंबर 1 है फिजिकल बैरियर, इसमें फिजिकली ऐसा कुछ हमारी बॉडी में है जो पैथोजन को रोक एंट्री को रोकता है। इसमें क्या क्या है फिजिकल बैरियर में, एक तो प्यारे बच्चों स्किन हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है स्किन। अब आपको पता है हमारी पूरी बॉडी पे भगवान ने लेमिनेशन कर रखी है, एक प्रकार से पूरी बॉडी पे स्किन लगा रखी है। अब कोई भी पैथोजन डायरेक्टली स्किन से एंटर नहीं कर सकता, अगर पैथोजन को मेरी बॉडी में घुसना है ना, या तो उसको स्किन में पंक्चर करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्किन से कोई पैथोजन एंटर कर ही नहीं सकता जब तक स्किन के अंदर इंजरी या पंक्चर ना हो, कट ना हो, राइट। तो पैथोजन एंट्री कहां से करेगा, पैथोजन एंट्री करेगा हमारी बॉडी में जो ओपनिंग्स है, नोज है, आईज है, माउथ है, ईयर है, या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक का मतलब जहां से यूरिन या जेनिटल, आपको पता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक क्या होती है। तो या तो पैथोजन स्किन से घुसने की कोशिश करेगा लेकिन स्किन से डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता, तो फिर वो कहां से एंट्री करने की कोशिश मारेगा, जहां से हमारी बॉडी में ओपनिंग है। तो स्किन पूरी बॉडी के ऊपर एक स्किन कवरिंग है जो पैथोजन की डायरेक्ट एंट्री को रोकता है, राइट। दूसरा फिजिकल बैरियर में आ जाएगा म्यूकस, जितनी भी आपकी ओपनिंग है फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी पैसेज जो ये है, यहां पे म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा, पैथोजन को अपने साथ चिपका लेगा, ट्रैप कर देगा म्यूकस। दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसमें भी जगह जगह पे म्यूकस है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, आपको सभी को पता है गॉबलेट सेल होती है जो म्यूकस रिलीज करती है, जगह जगह पे है, ये भी क्या कर लेंगे, पैथोजन को ट्रैप कर लेंगे। और आपकी जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, यहां पे भी म्यूकस होता है जो पैथोजन को ट्रैप, मतलब इनका काम है पैथोजन को बॉडी में अंदर घुसने से रोकना, राइट। ये फिजिकल बैरियर है। सेकंड है प्यारे बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकंड क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इस फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप क्या जाएंगे, क्या क्या
जैसे एक तो स्टोमेक में HCl, आप अपने एनसीईआरटी में लिख लेना स्टोमेक में क्या है HCl, एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर कोई पैथोजन हमारे माउथ से आगे जाएगा स्टोमेक में जाएगा तो स्टोमेक में HCl है, वो HCl उस पैथोजन को खत्म कर देगा। आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। दूसरा आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एसिड इन स्टोमेक, सलाइवा इन माउथ, माउथ में क्या है सलाइवा है। अब माउथ में जो सलाइवा है ध्यान रख लेना, इस सलाइवा के पास लाइसोजाइम होते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं देख रहा हूं कट तो नहीं रहा, लाइसोजाइम नहीं, जो सलाइवा है सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, सलाइवा और टीयर, सलाइवा टीयर्स और एचसीएल। अब HCl में तो क्या है HCl, स्टोमेक में क्या है HCl, HCl क्या है एसिड है जो पैथोजन को वैसे ही मार देगा। दूसरा अगर वो आईज से घुसने की कोशिश करे तो आईज में टीयर्स है और टीयर्स के पास और सलाइवा के पास ये लाइसोजाइम होते हैं, कहां पे सलाइवा में भी और टीयर्स में भी। और ये लाइसोजाइम वर्ड तोड़ लो प्यारे बच्चों, एंजाइम्स है एक प्रकार के जो लाइसिस कर देंगे, अगर कोई बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया हमारे माउथ से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो माउथ में क्या है, माउथ में जो बकल कैविटी के अंदर सलाइवा होता है सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होते हैं। सलाइवा में एक तो क्या क्या है, एक तो सलाइवरी माइलेज है, और सलाइवरी माइलेज बोल दो टाइलिन बोल दो, पढ़ रखा है आप लोगों ने, सलाइवा में और लाइसोजाइम, सलाइवा में भी और टीयर्स में भी लाइसोजाइम होते हैं। और ये लाइसोजाइम क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ दे, लाइसिस मतलब तोड़ देना। तो ये लाइसोजाइम क्या है, एक प्रकार के बैरियर है हमारे सलाइवा में टीयर्स में, जो क्या करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देंगे, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, स्पेशली बैक्टीरिया से, राइट। तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एसिड इन स्टोमेक, क्लियर है, कौन सा एसिड है एचसीएल है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, सलाइवा इन माउथ क्लियर है सभी को, क्योंकि सलाइवा में क्या है लाइसोजाइम, ऊपर लिख देना सलाइवा के ऊपर लिख देना लाइसोजाइम, एसिड के स्टोमेक के ऊपर लिख देना एचसीएल एसी, टीयर्स फ्रॉम आईज, टीयर्स के पास भी क्या है प्यारे बच्चों लाइसोजाइम है, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, लिख देना ब्रैकेट में स्पेशली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देंगे, या फिर अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ मेंशन कर देना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सेलुलर बैरियर, नेक्स्ट क्या है सेलुलर बैरियर, ये था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्या था ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब उसने बीएसएफ को पार कर दिया, अब उसका वास्ता पड़ेगा, अब वो इन बैरियर को तोड़ क्या, अगर वो इनसे पार कर गया तो वो ब्लड में घुस गया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है सेलुलर बैरियर या इंटरनल डिफेंस क्यों बोला, क्योंकि ये ब्लड में है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर उसने फिजिकल बैरियर्स को पार कर लिया, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, एक ये ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, म्यूकस और स्किन तो क्या है फिजिकल है, और एचसीएल सलाइवा और टीयर्स, एचसीएल सलाइवा में लाइसोजाइम और टीयर में लाइसोजाइम, ये फिजियोलॉजिकल है, यहां पे फंक्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, बायोकेमिकल इवेंट हो रही है, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ी जा रही है बाय द लाइसोजाइम। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है आया हुआ है क्वेश्चन नीट में पास्ट के अंदर, राइट, तो इसको भूलना मत। अब है उसने बीएसएफ को पार कर लिया, अब आगे कौन खड़ी है आर्मी खड़ी है, अब वो पैथोजन इन बैरियर को तोड़ के ब्लड में घुस गया। अगर कोई पैथोजन हमारे स्किन के अंदर पंक्चर कर जाएगा तो ब्लड में जाएगा, अगर कोई यहां से डायरेक्ट एंट्री कर गया म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करके वो अंदर ब्लड में घुस जाएगा, अब वो ब्लड में आ गया, और ब्लड में उसका वेलकम करने के लिए कौन है सेल है, सेलुलर बैरियर है, स्पेशल सेल है, कौन सी लिकोसाइट बोल दो या डेवलोबिस, अब ये इनका वेलकम करेगी किसका पैथोजन का, अब पैथोजन का वास्ता, अब जो इंफेक्टिस एजेंट है उसका वास्ता, उसका एनकाउंटर आर्मी से होने वाला है, हमारी बॉडी की सेल से होने वाला है, और ये सेल भी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसलिए ये भी किसका किसका कंपोनेंट आ जाएगा, ये भी किसका कंपोनेंट है प्यारे बच्चों, ये भी आपका इननेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। नंबर तीन, नंबर एक था आपका फिजिकल बैरियर, नंबर दो था सेलुलर फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर तीन है सेलुलर बैरियर। लेकिन ये ध्यान रखना फिजिकल और फिजियोलॉजिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आप एनसीईआरटी में वैसे मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख देना फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेलुलर बैरियर को इंटरनल बैरियर भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है,
कितने कौन सी डिफेंस में आ गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें स्पेशली आएंगे आपकी सेल, नाम से स्पष्ट है सेलुलर बैरियर, जिसमें लिम्फोसाइट स्पेशली पीएमएनएल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट सॉरी ल्यूकोसाइट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। अगर आप न्यूट्रोफिल को देखोगे तो इनके न्यूक्लियस में ना डिफरेंट टाइप्स की लोब्ड है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इनका। पॉली मतलब कई सारे, मॉर्फो मतलब अपीयरेंस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस की कई सारी अपीयरेंस होती है। पीएमएनएल के अंदर स्पेशली कौन बेटा, न्यूट्रोफिल्स। पीएमएनएल को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें स्पेशली कौन है पहले बच्चों, न्यूट्रोफिल्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स का जो मेन काम होता है, इनका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर घुस गया तो वहां पे उसका वास्ता किसे पड़ना है, न्यूट्रोफिल से पड़ना है, और न्यूट्रोफिल का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। वो क्या कर देंगी, अरे नो नीड टू एक्सप्लेन फैगोसाइटोसिस यार, मान लो ये है, ये पैथोजन है, ये पैथोजन को, ये सेल अपनी इनर फोल्डिंग करके इस पैथोजन को अपने अंदर ले आएगी और इसको डाइजेस्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड लाइसोसोम होते हैं, और लाइसोसोम हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये न्यूट्रोफिल्स मोस्ट ऑफ द पैथोजन को डाइजेस्ट कर सकती है। क्लियर। दूसरा है मोनोसाइट। दूसरा क्या है, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट भी प्यारे बच्चों याद रख लेना, लिख लेना, आपके एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है, जो मोनोसाइट होती हैं इन, ये भी मोटाइल सेल होती हैं और ये चेंज होते हैं किसमें, मैक्रोफेज में। मोनोसाइट चेंज इनटू मैक्रोफेज, मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। एक है नेचुरल किलर सेल, ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट की टाइप होती है नेचुरल किलर सेल। ये टी लिम्फोसाइट क्या होती है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो ये नेचुरल किलर सेल ये भी क्या कर देंगे, पैथोजन को किल कर देंगे। अब है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, डब्ल्यूबीसी। क्या है मैक्रोफेज, डब्ल्यूबीसी। बेटा प्यारे बच्चों आप सभी को ना क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी सभी को पता है, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। थोड़ा सा अगर मैं याद है इसको रिवाइज करवाऊं, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की, ग्रैन्युलो और ए ग्रैन्युलो, और ग्रैन्युलोफिल तीन टाइप की, इयोसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट दो टाइप की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये आप सभी को पता है डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में जिसके अंदर ग्रैन्यूल है तो दे आर कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट। ये तीन टाइप की है, इयोसिनोफिल जो इयोसिन डाई को लेंगे, बेसोफिल जो बेसिक इओसिन, जो इओसिन, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को देखना है तो आपको स्टेनिंग करना पड़ेगा, 11th क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, इओसिनोफिल को हम क्या बोलते हैं, एसिडोफिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दे टेक द एसिडिक स्टेन। बेसोफिल बेसिक स्टेन को लेगी और न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन को लेगी। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट है दो टाइप की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ध्यान रख लेना, जो बेटा न्यूट्रोफिल है ये तो क्या थी, ये है आपकी ग्रैन्युलोसाइट, है तो डब्ल्यूबीसी की टाइप, लेकिन कौन सी है, ग्रैन्युलोसाइट। और जो मोनोसाइट है प्यारे बच्चों ये ए ग्रैन्युलोसाइट है, और मोनोसाइट ही बड़ी होकर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज क्या है, दीज आर द डब्ल्यूबीसी, स्पेशली कौन सी डब्ल्यूबीसी है, ये ए ग्रैन्युलोसाइट है जो लार्ज है, और इनका काम मैक्रोफेज का जो मेन काम है, इनका काम है फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज है क्या, जब मोनोसाइट, बता दिया मोनोसाइट, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, जब ये मोनोसाइट बड़ी हो जाती है तैयार कर मैक्रोफेज। अब ये मैक्रोफेज दो टाइप की है, मैक्रोफेज डब्ल्यूबीसी है, इसका काम क्या है, इसका काम है प्यारे बच्चों, इसका काम है फैगोसाइटोसिस करना, पैथोजन को एंगल कर जाएंगे। अब मैक्रोफेज भी दो टाइप की है, नंबर एक तो वांडरिंग, जो हमारे ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर घूमती रहती है, वांडरिंग होता है घुमक्कड़ जो घूमता रहता है। तो वांडरिंग मैक्रोफेज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दे सर्कुलेट थ्रूआउट द बॉडी, थ्रूआउट द कनेक्टिव टिश्यू, थ्रूआउट द ब्लड, इसे को हिस्टियोसाइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टियोसाइट। ध्यान से सुनना प्लीज, एक पॉइंट ध्यान से सुनना, ये है ब्लड कैपिलरी। क्या है ये, ब्लड कैपिलरी से ब्लड है, और ये बाहर क्या है, बाहर टिश्यू फ्लूइड है,
टिश्यू फ्लूड बोल दो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बोल दो। WBC के पास एक और भी प्रॉपर्टी होती है, ये WBC, ये मान लो WBC जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो कर रही है, मान लो ये मैक्रोफेज है, वांडरिंग मैक्रोफेज, ये इस्टियोसाइट है, ये WBC ब्लड कैपिलरी की वॉल से, WBC ब्लड कैपिलरी की वॉल से अमीबॉइड मूवमेंट करके, कौन सी मूवमेंट करके, अमीबॉइड मूवमेंट करके, ये WBC अगर मान लो टिश्यू फ्लूड में कोई पैथोजन है, अगर टिश्यू फ्लूड में कोई पैथोजन है, इस पॉइंट को आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, अगर टिश्यू फ्लूड में कोई पैथोजन है तो ये WBC ब्लड कैपिलरी की वॉल में से अमीबॉइड मूवमेंट करके टिश्यू फ्लूड में आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायफेडेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायफेडेसिस, करने का काम किसका है, WBC का है। व्हाट इज डायफेडेसिस, इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरी बाय द अमीबॉइड मूवमेंट। ब्लड कैपिलरी की वॉल में से अमीबॉइड मूवमेंट करके WBC का बाहर आ जाना, इनसाइड द टिश्यू फ्लूइड टू किल द पैथोजन व्हिच इज प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायफेडेसिस। लिख लेना डायफेडेसिस क्या होता है, और डायफेडेसिस में जो WBC कौन सी मूवमेंट करेगी, अमीबॉइड मूवमेंट करेगी, राइट। कहां आएगी, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में आएगी, कौन आते हैं, WBC आते हैं, क्या फंक्शन करेंगी, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। तो पॉइंट ये सभी को क्लियर है, इसको आप मेंशन कर लेना प्लीज। तो WBC दो टाइप की, एक तो जो क्या है, जो वांडरिंग है, जो पूरे कनेक्टिव टिश्यू में घूमते रहते हैं, इसलिए इनको हिस्टियोसाइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हिस्टियोसाइट, दे आर मूविंग थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू, जितो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर ये घूम रही है, मतलब ब्लड में लिंफ में घूम रही है, दे आर कॉल्ड वांडरिंग। दूसरी है फिक्स्ड, दूसरी क्या है बच्चों, फिक्स्ड, जो एक स्पेसिफिक जगह पे होती है। ये फिक्स्ड मैक्रोफेज कहां है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से प्लीज, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड कहां है, ये तो है एंडोथेलियम। अब आप लोगों को एंडोथेलियम नहीं पता, जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की इनर दीवार पे जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, ब्लड कैपिलरी की इनर साइड पे जो ब्लड कैपिलरी है, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, और इसके इनर साइड पे जो ये टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, इट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो किसी भी ऑर्गन के अंदर की तरफ जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, कोई भी ऑर्गन हो, उसकी जो इनर साइड पे, इनर मोस्ट साइड पे जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। वर्ड तोड़ लो, एंडो मतलब होता है अंदर और थेलियम मतलब एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू विच फॉर्म द इनर कवरिंग ऑफ एनी ऑर्गन इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो जो एंडोथेलियम है, जो लिंफ वेसल है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल और लिंफ वेसल, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, या ब्लड वेसल हो या लिंफ वेसल हो, वहां पे लिंफ नोड्स, जो लिंफ नोड है, स्प्लीन है, लीवर है, इन जगहों पे ये WBC फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स, यहां पे ये हमेशा फिक्स रहती है। तो दे आर कॉल्ड फिक्स मैक्रोफेज। अब ध्यान से सुनना, जब ब्लड लिंफ नोड से, स्प्लीन से, लीवर से या इससे फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे क्या बैठे हैं, जगह जगह पे, यहाँ पे जगह जगह पे सोल्जर बैठे हैं, मैक्रोफेज बैठे हैं, WBC बैठे हैं, जो क्या कर देंगे, पैथोजन को एनगल्फ कर देंगे। मतलब एक प्रकार से जो ये लिंफ नोड है, स्प्लीन है, लीवर है, ये एक प्रकार से ब्लड के फिल्टर है, फिल्टर फॉर पैथोजन है, ये इसके लिए पैथोजन के लिए फिल्टर है। जब यहां से ब्लड जाएगा तो ब्लड में अगर कोई पैथोजन होगा तो ये फिक्स मैक्रोफेज क्या कर देंगे, उस पैथोजन को खा जाएगी। पॉइंट क्लियर, ओके। अब है रेस, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये बिट पहले बच्चा थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा भी मैं नहीं बोलूंगा, इट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, तो इसको आप एनसीईआरटी मेंशन कर लेना। रेटिकुलो, दिस इज द
रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड इट इज मेड ऑफ, किससे बना हुआ है ये? एक तो वंडरिंग और फिक्स्ड जो मैक्रोफेज है, दे कलेक्टिवली फॉर्म द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कोई भी आपसे पूछ ले कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर देना और बता देना इन दोनों से जो सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। पॉइंट क्लियर हो गया? बड़ा अच्छा टर्म है RES, रेस रेटिकुलम फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेस बनाने का काम ये किसका है? रेस जो डेवलप करवाया हमारी बॉडी में, किसने करवाया है? मैक्रोफेज ने करवाया है। मैक्रोफेज आपको दो टाइप की बता दी, एक जो घूम रही है वांडरिंग, और एक जो फिक्स कहाँ मिलेगी इसकी लोकेशन आपको मैंने लिखवाई थी, वो आप जरूर लिख लेना। फिक्स मैक्रोफेज स्पेशली कहाँ होती है? ये होते हैं स्पेशली लिम्फ नोड, एंडोथेलियम, स्प्लीन, लीवर, ये स्पेशली यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में वैसे है नहीं लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सेलुलर बैरियर के अंदर ही आता है ये। जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है ये भी सेल ने करवानी है, कौन सी सेल ने? मास्क सेल ने। अब ये मास्क सेल कहां मिलेंगी? ये मास्क सेल होते हैं प्यारे बच्चों टिश्यू फ्लूइड के अंदर, जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स, आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें होती हैं, मैट्रिक्स, फाइबर और सेल। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर्स नहीं है, लेकिन बाकी जो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? मैट्रिक्स, फाइबर और सेल। लेकिन ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्ट, ब्लड एंड लिम्फ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होते, मैट्रिक्स और सेल है बस। लेट्स सी, तो मास सेल कहां प्रेजेंट होती है? इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहां? ये इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब लेट्स सी, जब कभी भी कोई टिश्यू इंजरी होगी, मान लो यहां पे मेरे कट लग गया, टिश्यू इंजरी होगी, वो टिश्यू इंजरी चाहे फिजिकल एजेंट से हो, चाहे फिजिकल रीजन हो, चाहे केमिकल रीजन हो, और चाहे बायोलॉजिकल कोई पैथोजन अंदर घुसे, किसी भी रीजन से अगर हमें इंजरी होगी, अगर इंजरी होगी, कट लग गया स्किन पे, टिश्यू डैमेज हो गया, तो क्या होगा? फॉरन मैटर, में कोई केमिकल हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपको चींटी ने काट लिया, आपको पता है चींटी ने जैसे ही काटा आपकी बॉडी में फॉरन मैटर आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया। जैसे ही आपको आंट्स कीड़ी मकोड़े काटते हैं, मच्छर काट कीड़ी काटती है तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं। इन द सेम वे बी आपको स्टिंग करेगी तो आपकी बॉडी में एसिड डालते हैं, और वो एसिड आपके लिए क्या? आपकी बॉडी के लिए फॉरन मैटर है। या आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस के बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस छोड़ेगा, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन छोड़ते हैं, एंडोटॉक्सिन। तो जैसे टिश्यू इंजरी होगी तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन आ गया, सीधी सी बात है, और जैसे ही टॉक्सिन आएगा ये मास्क सेल रप्चर हो जाएंगी, टिश्यू फ्लूइड में जो मास्क सेल है वो रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगे। मतलब जैसे ही आपकी टिश्यू इंजरी होगी, तो फिजिकल रीजन से हो, केमिकल से हो, बायोलॉजिकल से हो, राइट? कई बार क्या होता है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वहां पे रेडनेस आ गई, टेंडरनेस आ गई, वार्म्थ हो गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया, सीधी सी बात आप ये बोलते हैं नॉर्मली इन्फेक्शन हो गया। या कई बार हमें थोड़ी सी चोट लगी, आपको मधुमक्खी ने काट लिया, तो उस जगह पे रेडनेस आ जाती है, वार्म्थ हो जाती है, इन्फ्लामेशन आती है। ऐसा होता क्यों है, ये मैकेनिज्म आपको मैं स्टडी करवाना चाह रहा हूं। तो जैसे ही टिश्यू इंजरी होगी, चाहे वो फिजिकल रीजन से हो, आप भाग रहे थे, आप गिर गए, आप सड़क पे गिर गए, उस टाइम पे भी मान लो यहाँ पे क्रोच लगी, तो यहाँ पे रेडनेस आएगी, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होएगा, यहाँ पे सोजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आएगी, फिजिकल इंजरी। केमिकल बताया आपको मैंने, मधुमक्खी काट लिया, आपकी बॉडी में एसिड डाल दिया, बायोलॉजिकल इंजरी, आपकी बॉडी में पैथोजन घुस जाएगी। तो जैसे ही ये घुसेगा टॉक्सिन रिलीज होगा, ये टॉक्सिन की वजह से आपकी जो मास्क सेल है टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो रप्चर होगी, और जैसे ही मास्क सेल रप्चर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजार बार ये क्वेश्चन आ चुका है,
ये मास सेल क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, केमिकल सब्सटेंस क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार भी नीट में आया था मैथ्स का कॉलम के अंदर। तो मास सेल का काम क्या है, हिस्टामाइन रिलीज करना, क्या रिलीज करना, हिस्टामाइन। अब ये हिस्टामाइन जो कि केमिकल सब्सटेंस है, ये चार फंक्शन कर देगा, ये चार फंक्शन करेगा, ये हिस्टामाइन चार प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। नंबर एक तो ये ब्लड कैपिलरीज की वाइडनिंग करवा देगा, ब्लड कैपिलरी वाइड हो जाएगी। अगर ब्लड कैपिलरी वाइड होगी तो ब्लड फ्लो टू द साइट ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड कैपिलरी वाइडनिंग होगी, अगर कैपिलरी वाइडनिंग होगी तो मान लो इस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके आसपास की जितनी ब्लड कैपिलरी है, इसके आसपास की जितनी ब्लड कैपिलरीज है, ये कैपिलरी थोड़ी वाइड हो जाएगी, और वाइड होने से इस जगह पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? और ब्लड फ्लो जहां पे ज्यादा होता है तब उस टाइम पे हमें वार्मथ फील होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको पता है उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ गई तो ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया तो आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी से बिल्कुल हीट बाहर निकल रही है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वार्मथ होगी, राइट? तो उस साइड पे जहां पे आपको मान लो मधुमक्खी ने आपको यहाँ काट रखा है, तो यहाँ पे आप हाथ लगा के देखना, ऐसे टच करके देखना, आपको यहाँ से गर्म गर्म फील होता है। तो वार्मथ जो फील हो रहा है वो किसकी वजह से हो रही है, हो रहा है हिस्टामाइन की वजह से। हिस्टामाइन ने क्या कर दिया, कैपिलरी वाइडनिंग करवा दी, और कैपिलरी वाइडनिंग से वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो से वहां पे वार्मथ हो गई। दूसरा है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी मोर परमिएबल हो जाएंगे, इससे वहां पे मोर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन डिफ्यूजन ऑफ ब्लड ज्यादा होएगा, और जहां ब्लड ज्यादा होएगा वहां पे रेडनेस आती है, रेडनेस वही आती है जहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो वो साइट जहां पे आपको मधुमक्खी ने काट रखा है वो रेड भी हो जाएगी, राइट? तीसरा पॉइंट, उस जगह पे हिस्टामाइन रिलीज हुआ है तो उस हिस्टामाइन की वजह से वहां बहुत सारे न्यूट्रोफिल इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ पे हिस्टामाइन रिलीज हो रखा है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स इकट्ठी हो जाएंगी, क्या इकट्ठी हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स। ये हिस्टामाइन अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्ट करेगा किसको, न्यूट्रोफिल्स को, और बहुत सारी सेल यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, टेंडरनेस आ जाएगी। टेंडरनेस होता है टाइटनेस, टाइट टाइट फील होगा। अगर मधुमक्खी ने आपको यहाँ से काट रखा है, स्किन आपकी टाइट टाइट फील होगी, टेंडरनेस होएगी। तो टेंडरनेस किसकी वजह से आई है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन ने क्या किया, जैसे हिस्टामाइन रिलीज हुआ, मास सेल रप्चर हुई, हिस्टामाइन रिलीज हुआ, हिस्टामाइन रिलीज हुआ तो उस जगह पे न्यूट्रोफिल से अट्रैक्ट हुई, न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट हुई तो वहां पे टेंडरनेस आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमिक रिएक्शन। सिस्टेमिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, लोकलाइज्ड, लोकलाइज जो एक ही जगह पे हो, एक होती है सिस्टेमिक जो पूरी बॉडी में हो। तो हो सकता है अब जो रिएक्शन है वो लोकलाइज, सिस्टेमिक या लोकलाइज, दोनों वर्ड लिख देना, सिस्टेमिक और लोकलाइज। हो सकता है उस जगह पे स्वेलिंग और पेन हो, या कभी कभार पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी पे रेडनेस आ जाएगी, पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी, तो ये रिएक्शन होगी, दैट्स कॉल्ड। तो ये रीजन है स्वेलिंग या पेन के लिए, क्या सारे का सारा ये किसने करवाया है, मास्ट सेल ने करवाया है। और ऐसा होना हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स वहां इकट्ठी हो जाएंगे ना, तो वो उस टॉक्सिन को, वो उस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स करवाने वाली सेल कहां प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। इसके चार और न्यूट्रोफिल इकट्ठे हो जाएंगे तो इस टॉक्सिन को बाकी बॉडी में निकलने देंगे, यहीं रख लेंगे, राइट? तो ये था एक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, क्या होती है, कैसे होती है। नेक्स्ट है फीवर। फीवर भी हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, और फीवर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल, ये भी सेलुलर बैरियर का कंपोनेंट है। देखा जाए तो इंफ्लामेटरी जो रिएक्शन है ये किसका कंपोनेंट है, सेलुलर बैरियर का, ये सेल की वजह से हो रहा है, कौन सी सेल की वजह से, मास्ट सेल की वजह से। और जो फीवर है, फीवर भी सेल की वजह से होता है हमारी बॉडी में, स्पेशली किसकी वजह से, मैक्रोफेज की वजह से। अब ध्यान से सुने प्लीज, होता क्या है फीवर, कब होता है, अगर आपको फीवर हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में फॉरेन मैटर घुसा हुआ है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आपकी बॉडी में घुसी हुई है। क्यों, जैसे फीवर आपको कब होगा, जैसे ही आपकी बॉडी में पैथोजन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे ही आपकी बॉडी में पैथोजन ज्यादा होंगे, तो ज्यादा पैथोजन होंगे तो मैक्रोफेज क्या होंगे, डैमेज होगी। सीधी सी बात, अगर बहुत सारे आतंकवादी घुसेंगे ना,
अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमारी कंट्री में बहुत सारे आतंकवादी घुस गए तो सीधी सी बात है वो आतंकवादी तो मरेंगे, साथ में हमारे सोल्जर भी तो मरेंगे, आर्मी वाले पर्सन भी तो मरेंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि बीएसएफ को तो पार करके आगे 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 कौन खड़ी है, आर्मी खड़ी है। तो मैक्रोफेज, मैक्रोफेज द कंपोनेंट ऑफ आर्मी यार, सेलुलर डिफेंस आर्मी सेकंड बैरियर है ब्लड के अंदर। तो अब जब बहुत सारे पैथोजन घुस गए तो हमारी मैक्रोफेज भी डैमेज होगी, हमारी मैक्रोफेज भी मरेंगे, जब फाइट होती है तो पैथोजन भी मरेगा, मैक्रोफेज भी मर जाती है, डैमेज दोनों साइड से होता है, टेररिस्ट भी मरेंगे, आर्मी वाले भी कुछ ना कुछ शहीद हो जाएंगे। लेट्स सी, तो सेम इज हियर, जब बहुत सारा पैथोजन की आपकी बॉडी पे अटैक हो रखा था, हमारी मैक्रोफेज डैमेज होती है, और जब ये मैक्रोफेज डैमेज होगी ना, जब ये मैक्रोफेज डैमेज होगी तो ये मैक्रोफेज एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज कर देगी। जब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मैक्रोफेज हूं, अब मुझे ये लगा कि मुझे बहुत सारे आतंकवादियों ने घेर लिया, मुझे पता है मुझे मरना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मुझे तो मरना है, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो अपने साथ बम ले रहा था उसने फोड़ दूंगा, मैं तो मरूंगा, साथ में बहुत सारी आस पास में जो पैथोजन थे, जो टेररिस्ट थे, वो भी मर जाएंगे, यही काम होगा। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, ये मैक्रोफेज जब डैमेज होना शुरू होगी तो ये मैक्रोफेज एक प्रोटीन छोड़ देगी, एंडोजिनस पाइरोजन, एंडोजिनस मतलब अंदर जनरेट हुआ, पाइरोजन होता है जो फ्यूर करवा दे, ये एक केमिकल सब्सटेंस एक प्रोटीन छोड़ देंगे, एंडोजिनस पाइरोजन क्या है, प्रोटीन है, ध्यान रखना इसके मेंशन करना है, इट्स अ प्रोटीन, इसने रिलीज किया मैक्रोफेज ने, कहां छोड़ दिया, ब्लड में। अब जैसे ही ब्लड में एंडोजिनस पाइरोजन है, ब्लड के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस आ गया, एक प्रोटीन आ गई, कौन सी, एंडोजिनस पाइरोजन, ब्लड में डाल दिया, अब ये पाइरोजन यहां से जाएगा थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी के पास, हाइपोथैलेमस के पास, किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो टेम्परेचर सेट कर रखा था, हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट है, वो 37 से 39 पे सेट हो जाएगा, पूरी बॉडी पे टेम्परेचर करवा देगा, सिस्टेमिक रिस्पांस हो जाएगा। जब एंडोजिनस पाइरोजन आएंगे ब्लड में तो सिस्टेमिक रिस्पांस पूरी बॉडी में रिस्पांस होएगा। हुआ क्या, देखो आपको मैंने बताया था मलेरिया में फीवर हुआ था, फीवर कब हुआ था, जब हमारे बहुत सारे पैथोजेंस ब्लड में आ गए थे। अब बहुत सारे पैथोजन जब ब्लड में, तो हमारे मैक्रोफेज भी डैमेज होंगे, हीमोजोइन भी रिलीज होएगा, तो हीमोजोइन भी एक प्रकार से क्या है, हीमोजोइन भी एक प्रकार से एंडोजिनस पाइरोजन है, इसने भी सिग्नल दिया था किसको, थर्मोस्टेट को। जब मैक्रोफेज डैमेज होंगी तो वो क्या छोड़ देंगे, एंडोजिनस पाइरोजन ब्लड रिलीज कर देंगे, और ये एंडोजिनस पाइरोजन सिग्नल देगा थर्मोस्टेट या हाइपोथैलेमस, एक ही बात है, जो हमारे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखता है, और थर्मोस्टेट हमारी बॉडी को 39 डिग्री पे सेट हो जाएगा, पूरी बॉडी पे टेम्परेचर होगा। अब जब हमारी बॉडी में फीवर हुआ तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ध्यान सुनना, जो माइल्ड फीवर है, जो हल्का फीवर हुआ हमारी बॉडी में, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम बाय इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस, लिख लेना ये पॉइंट, फीवर क्या करेगा, एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, पॉइंट क्लियर। और दूसरा एक तो ये काम किया, दूसरा काम क्या किया, फीवर जो होता है ना, ये ब्लड के अंदर आयरन लेवल को बढ़ा देगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज आयरन लेवल इन ब्लड, और ब्लड के अंदर आयरन लेवल कम होएगा ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए मोर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना, फीवर होना अच्छी बात है, फीवर हमारे क्या करता, जब लगता है कि भाई, जब ये लगे कि भाई अब आर्मी के बस की बात नहीं रही, तो एकदम ठाक है, बम गिरा देंगे उस साइड पे, डैमेज तो होगा, नुकसान तो हमें भी हो रहा है, फीवर से देखो, लो फीवर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ है, पैथोजन को खत्म कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा तेज फीवर तो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, लेकिन लो फीवर पे आपको एंटीपायरेटिक्स नहीं लेनी चाहिए, एंटीपायरेटिक्स होती है विच provide relief from the fever, जो fever reducing chemical substance है, paracetamol is the common antipyretic, तो नहीं लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि fever हमारी body का immune response है, आप अगर paracetamol ले रहे हो, antipyretics ले रहे हो, तो आप अपने fever को, अपने body के immune response को damage कर रहे हो, लेकिन अगर high fever है तो वो हमारी body को damage कर सकता है, तो fever हमारे, हमें how fever help in इम्यून रिस्पॉन्स तो कैसे कर रहे हैं, दो पॉइंट याद रख लेना, और ये भी किसका रिस्पॉन्स, ये जो फ्यूर हुआ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर बैरियर रिस्पॉन्सिबल है, और जो फोर्थ बैरियर है ये है बेटा साइटोकाइन बैरियर, कौन सा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी,
लेट्स सी, देखो ये हमारी बॉडी में सेल है, दीज आर द सेल ऑफ द बॉडी। अब मान लो इस सेल पे वायरस का अटैक हुआ है, वायरस अटैक हुआ है, किसका अटैक हुआ है, वायरल, ये साइटोकाइन बैरियर वर्क अगेंस्ट वायरस, ध्यान रखना, भूलना मत। तो जो वायरल इंफेक्टेड सेल है, जब ये सेल का नाश होना शुरू हो गया, ये सेल मरने वाली है, तो ये वायरल इंफेक्टेड सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज कर देगी। इंटरफेरॉन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, प्रोटीन है। इंटरफेरॉन्स आता आपके एनसीईआरटी में, आप देखना साफ साफ लिखा है वायरस इंफेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स। इंटरफेरॉन का केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर नीट में आया हुआ था। यू कैन, यू शुड हैव द एग्जाम नीट ऑफ 18, 19 and 20, यू शुड हैव, आप चेक करें उसको, आप देखें कि जो लाइन पढ़ाई जा रही है, जो सर बोल रहा है, वो क्वेश्चन है कि वैसे ही फेंक रहा है। तो यू शुड चेक, आप इस एटलीस्ट आपके पास पिछले 3-4 साल का नीट होना चाहिए आपके पास, आप प्रिंट आउट ले लो उसके, मिल जाएगा आपको इजीली। तो ध्यान रखना, बहुत बारी क्वेश्चन आया भाई इंटरफेरॉन्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स, और इंटरफेरॉन सेलुलर बैरियर है, सेल छोड़ती है अगेंस्ट, जो इंटरफेरॉन दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। साफ साफ लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, वायरस इंफेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट। अब जैसे क्या हुआ, इस सेल का नाश छा दिया वायरस ने, ये सेल तो मरने वाली है, तो अब ये सेल क्या करेगी, केमिकल छोड़ देगी, और ये केमिकल क्या इन सेल को क्या कर देगा, ये बता देगा कि भाई मैं तो मर रहा हूं वायरस इंफेक्टेड सेल से, आप अपने आप को बचा लो। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में बहुत तेज आग लग गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर निकल के चिल्लाऊंगा पड़ोसियों को, भाई मेरा घर तो जल गया, आप अपने घर बचा लो। सेम इज हियर, जब इस वायरस, जिस सेल पे वायरस का इंफेक्शन हुआ है, तो वायरल इंफेक्टेड सेल रिलीज द केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन इंटरफेरॉन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन विच गिव सिग्नल टू द नेबरिंग सेल, जो सिग्नल दे रहा है इसको नेबरिंग सेल को, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फर्दर इंफेक्शन ऑफ वायरस। साफ साफ लिखा हुआ है which protect non-infected cell from further viral infection, जो तो यानी कि इस सेल का नुकसान होगा, ये पड़ोसी सेल को बचाने के लिए केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर देगा which are called interferon। तो ये था प्यारे बच्चों आपका, बिल्कुल मैंने हार्डली आपको एनसीईआरटी का हाफ पेज एक्सप्लेन किया है, और आप इसको जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ लिया, सेकेंड डिफेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक डिफेंस, थर्ड डिफेंस क्या है। अब बात आएगी इंटरनल एजेंसीज की, अब रो काम करेगा, अब इंटरनल एजेंसीज काम करेंगे, जो हमारे देश के अंदर इंटरनल एजेंसी है, रो है, और तो मुझे ज्यादा पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहला कौन था, बीएसएफ था, बीएसएफ से मुकाबला हुआ, आगे निकल गया आर्मी से मुकाबला हुआ, अब इंटरनल एजेंसीज काम करेंगी, अब हमारी जो इंटरनल एजेंसी है, जो भी स्पेशल फोर्स है, जो स्पेशल स्क्वाड फोर्स है, वो आएंगी और वो देखेंगे दिल्ली में, राइट। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट्स प्रोवाइडेड कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस, जिसमें हम एंटीबॉडीज बी सेल और टी सेल, बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 4 या 5 लेक्चर दूंगा इम्यूनोलॉजी के, और इम्यूनोलॉजी से हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, मैंने बताया था वायरोलॉजी हाफ वन पेज ऑफ एनसीईआरटी, 2 क्वेश्चन आए हुए आपकी बार नीट में, इम्यूनोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए हुए नीट में, तो छोटा हार्डली 3-4 लेक्चर है, सुनते ही क्लियर हो जाते हैं। So thank you very much. So it was all about that today's video. Thanks for watching, and I'm requesting to all of you, please learn NCERT properly. Thank you very much. So have a nice day.